18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति का जब आप नया आधार कार्ड बनवाएंगे या फिर आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाएंगे तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो स्टेप में ये फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। पहला स्टेप रहेगा कि जब आप न्यू इनरोलमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। दूसरा स्टेप रहेगा आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाएंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, कुछ भी अपडेट करवाएंगे तो उस कंडीशन में ये फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो दोनों स्टेप इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो भी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। तो पहले स्टेप में हम आपको बताएंगे न्यू इनरोलमेंट, यानी नया आधार कार्ड जब बनवाएंगे तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आप यहां पे देख लीजिए, जो भी आप भरेंगे वो कैपिटल लेटर में भरेंगे, आपको यहां पर बताया जा रहा है। उसके बाद आपको न्यू इनरोलमेंट यानी नया आधार कार्ड बनवाना है तो आप यहां पे टिक करेंगे न्यू इनरोलमेंट पे। नीचे आएंगे, दूसरे नंबर में रेसिडेंस इंडियन पे टिक करेंगे, अगर आप NRI हैं तो इस पे टिक कर लेंगे। तीसरे नंबर को छोड़ देना है क्योंकि ये अपडेट के लिए है, तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे अपडेट के लिए किस प्रकार से भरना है, अभी आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं। चौथे नंबर में आएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए नेम एज पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी नया आधार कार्ड जब बनवाते हैं तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है। तो जो भी आपका वैलिड प्रूफ होगा उस प्रूफ पर किस तरह से आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद पांचवें नंबर में जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आप यहाँ पे सही कर दीजिए। छठे नंबर में आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल लीजिए, और यहाँ पर चेक कर लीजिए आपका कितना उम्र हो रहा है वही उम्र आप यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर पर टिक करना है। सातवें नंबर में आएंगे तो जो भी आपके प्रूफ पर एड्रेस दिया गया हाउस नंबर पता है तो भरिए, लैंडमार्क, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वार्ड नंबर, सब डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल आपका कहाँ है, मोबाइल नंबर भरिए, स्टेट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, स्ट्रीट, जो भी आपको पता है इसमें आप पूरा भर दीजिए, अगर जो नहीं पता है उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भरेंगे नया आधार कार्ड बनवाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आइए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो आधार कार्ड बनवाते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए दो टाइप से बनता है, पहला डॉक्यूमेंट्स बेस पे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहता है और आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरा आता है कि हेड ऑफ फैमिली के बेस पे भी बनवा सकते हैं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप अपने गार्जियन को आधार सेंटर पे ले जाएंगे और उनके आधार कार्ड के द्वारा आप नया आधार कार्ड बनवाएंगे। तो आप कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अगर आधार कार्ड बनवाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स बेस्ड पर टिक करेंगे, या फैमिली के साथ जा रहे हैं नया आधार कार्ड बनवाने के लिए तो हेड ऑफ फैमिली पर टिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद आप यहां पे देख लीजिए फॉर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड इनरोलमेंट, यानी अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए तो उसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या दे रहे हैं, उस प्रूफ का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या दे रहे हैं उस प्रूफ का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए जैसे कि वोटर कार्ड अगर दे रहे हैं तो वोटर कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी होता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है, तो वोटर कार्ड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, दोनों में। उसके बाद आप यहाँ पे आइए नौ नंबर में, तो फॉर HOF यानी हेड ऑफ फैमिली बेस्ट इनरोलमेंट है, तो अगर आप अपने गार्जियन यानी पिताजी मम्मी जो भी गार्जियन है, या लड़की का बनता है तो हस्बैंड का नाम पे भी होता है, तो जो भी आपके गार्जियन होंगे उनके ठीक सामने टिक करेंगे और उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे इसने कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो आप जिनका भी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में जो भी प्रूफ लगा रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आइए तो आप यहाँ पे इसने कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जिनका भी नया आधार कार्ड बन रहा है उनका नाम लिखेंगे, और यहाँ पर किनका नाम लिखेंगे तो जिनकी सहायता से आधार कार्ड नया बन रहा है उनका नाम लिखेंगे, यानी आपके जो भी हेड ऑफ फैमिली होंगे उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और हेड ऑफ फैमिली के जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पर करवा लेंगे ऊपर में। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे
डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स अपडेट ये आपको नहीं भरना है, जब आप अपडेट करवाते हैं तो अब ये आपको भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आइए, जो भी आधार सेंटर वाले होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर मोहर होगा, उसके जो भी जिनका भी नया आधार कार्ड बन रहा है उनका यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में करवा लेना है। तो इस तरह से आप न्यू इनरोलमेंट करने के लिए इस फॉर्म को भरेंगे। कहते हैं कि जब आप इसमें कुछ अपडेट करवाएंगे तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, बाद में आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यूज कैपिटल लेटर ओनली आपको फिर से भरना है, जो भी इसमें भरेंगे कैपिटल लेटर में भरेंगे। उसके बाद इसमें आप अपडेट करवा रहे हैं तो पहले नंबर में आप अपडेट पे टिक करेंगे, दूसरे नंबर में रेसिडेंस इंडियन पे टिक करेंगे, अगर आप NRI हैं तो इस पे टिक कर लेंगे वरना इसे छोड़ देंगे। तीसरे नंबर में इन केस ऑफ अपडेट में आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर भरना है, 12 अंकों का जो भी आधार नंबर है उसे भर दीजिए जिनका भी आधार कार्ड में अपडेट हो रहा है। उसके बाद इसमें आप क्या अपडेट करवा रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि जो भी आप अपडेट करवाएंगे उसके साथ आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है, तो मोबाइल नंबर पर तो आपको टिक करना ही पड़ेगा। उसके साथ इसमें क्या अपडेट करवा रहे हैं, जैसे कि नेम में अपडेट करवाना है तो नेम पे टिक करेंगे, अगर एड्रेस में अपडेट करवाना है तो एड्रेस पे टिक करेंगे, वरना जो आप अपडेट करवा रहे हैं उसी पे टिक कीजिए। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है तो मैंने डेट ऑफ बर्थ पे टिक कर दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर पे टिक करना है, उसके बाद मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा सही उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भर देंगे और वेरीफाइड पर टिक करेंगे और जो भी मेरा उम्र होगा उसको जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तब। उसके बाद जो भी जेंडर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा जिस तरह से स्पेलिंग होगा वही नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं नाम या फिर एड्रेस अपडेट करवाना है तो आप कैसे भरेंगे वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मुझे अगर नाम अपडेट करवाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे जो भी सही नाम होगा, उसका जेंडर चूज कर लेंगे जो भी जेंडर होगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, वेरीफाइड पे नहीं करना है, ठीक है, वेरीफाइड पर तभी करेंगे जब आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं, वरना आपको सिर्फ डिक्लेयर पर टिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और जो भी आपका उम्र होगा जोड़ के आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तरीका रहता है यहाँ पे, ये आप समझ गए। अब नीचे चलते हैं और अब आपको बताते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, अगर मान लीजिए एड्रेस अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे टिक किए हैं तो आप यहाँ पे 7 नंबर में एड्रेस भरेंगे, वरना एड्रेस को आपको बिल्कुल नहीं भरना है अगर आप एड्रेस अपडेट नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन टाइप में आएंगे तो आप किस प्रकार से एड्रेस अपडेट करवाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स बेस पर इस पर टिक कर देंगे, अगर हेड ऑफ फैमिली के बेस पर मतलब अपडेट करवा रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे। तो अब आप कहेंगे हेड ऑफ फैमिली बेस पे किसका मतलब अपडेट होता है, तो मान लीजिए एड्रेस अपडेट करना होता है तो लड़के के शादी के बाद उनके पति का एड्रेस मतलब गांव का एड्रेस होता है और पति का नाम भी होता है, तो लड़की का जो शादी होता है उसके बाद अगर वो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहे तो वो अपने पति का आधार कार्ड लेकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टिक करना पड़ता है, ठीक है, ये आप समझ गए। यहाँ से नीचे आएंगे तो ये इनरोलमेंट के लिए नया आधार कार्ड बनवाने के लिए इसको और इसको आपको छोड़ देना। अब आप यहाँ पे नीचे आइए, डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स अपडेट, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो अपडेट करवा रहे हैं उसमें आप क्या प्रूफ दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बर्थ सर्टिफिकेट लिख दूंगा, ठीक है, अगर एड्रेस अपडेट करवा रहे हैं तो एड्रेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आप यहाँ पे टिक मतलब लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है, उस पर जो भी आधार सेंटर वाले होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर करेंगे, और जिनका भी अपडेट हो रहा है आधार कार्ड में उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप इस पेज पे आइए। यहाँ से आप नीचे आएगा तो आपको 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का नया आधार एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरना है उस पर मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का नया आधार कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म को कैसे भरना है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो 18 या 18 प्लस
कि जो भी व्यक्ति है उनका आधार कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करने का आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं डाउनलोड होता है तो यहाँ पर देख लीजिए और फॉर्म डाउनलोड लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो भी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वो बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों फॉर्म का आपको यहाँ पर पीडीएफ लिंक दिया गया, और भी जानकारी इस पोस्ट पे आपको मिलेगी, तो जो भी आप रीड करना चाहते हैं एक बार रीड कर लीजिए। क्या ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।